वेलकम स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर हम कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग के टॉपिक को। इलेक्ट्रिक हीटिंग के पहले हमने इलेक्ट्रिक ड्राइव्स का भी टॉपिक कंटिन्यू किया हुआ था, वो कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। इस लेक्चर में हम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के सब्जेक्ट को देखने वाले हैं। ये डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है जो फाइनल सेमेस्टर के छात्र पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको CSB2 का जो सिलेबस है UEP का, उसमें चैप्टर 2 है आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग, उसका पहला लेक्चर की शुरुआत में करने जा रहा हूँ। इस लेक्चर के बाद सारे लेक्चर आपको मिलेंगे जो इलेक्ट्रिक हीटिंग के ऊपर होंगे। इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ पॉइंट्स, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स होंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो चैप्टर है 20 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है, टोटल 20 मार्क्स का होता है। तो इस लेक्चर में मैं 5 मार्क्स को कवर करूँगा, 5 मार्क्स का कन्फर्म क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है, ठीक है। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो एक ना एक फंसता ही है एग्ज़ाम में, तो आपको वो पढ़ना चाहिए और सिलेबस में भी वो रहता है। तो पहला जो मैं यहाँ पे टॉपिक लेने वाला हूँ वो है एग्जाम्पल्स ऑफ डोमेस्टिक हीटिंग। सेकेंड टॉपिक मेरा होगा एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्रियल हीटिंग, जिसमें इंडस्ट्रीज में जो हीटिंग मेथड्स यूज होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और डोमेस्टिक में ऐसे एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे जो हमारे घरों में यूज होते हैं। तीसरा हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज ओवर कन्वेंशनल हीटिंग मेथड्स। स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रिक हीटिंग नहीं था उस समय हम हीटिंग कैसे करते थे, ठीक है। तो कन्वेंशनल हीटिंग जो हमारी थी, उस कन्वेंशनल हीटिंग में हम क्या करते थे, वुड को बर्न करते थे, साथ में कोल बर्न किया जाता था, ठीक है। सिगड़ियाँ आपको पता होंगी, सिगड़ी जलाते थे, कोल को बर्न किया जाता था और पेट्रोलियम यूज़ किए जाते थे, पेट्रोलियम जैसे कि केरोसिन टैंक वगैरह यूज़ करते थे और उससे हम खाना वगैरह बनाते थे, ठीक है, चूल्हा यूज़ किया जाता था। अभी क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक हीटिंग को यूज़ किया जा रहा है डोमेस्टिक हीटिंग एप्लीकेशंस के लिए और इंडस्ट्रियल हीटिंग एप्लीकेशंस के लिए। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये तीन टॉपिक पूरा कवर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपसे डोमेस्टिक हीटिंग की। तो आप लोग भी क्या करिए, ऐसे नोट्स बनाते जाइए, आपका नोट्स भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा और साथ में आप सीखते भी जाइए, जो जो मैं आपको कह रहा हूँ उसके बारे में सोचते जाइए। तो आप मुझे घर में जो जो चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलती हैं और हीटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ऐसे चीज़ों को हम उसके एग्जांपल में लेंगे। तो पहला हमारा जो है एग्जांपल्स ऑफ डोमेस्टिक हीटिंग। डोमेस्टिक हीटिंग में क्या क्या हमारे एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है। तो आप इसको कैसे सोचिए, सोचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप सोचिए कि जब ठंडी होती है तब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रूम हीटर का, ठीक है। रूम हीटर क्यों काम आते हैं, रूम हीटर इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलता है और हीटिंग के लिए काम आता है, हीटिंग द रूम, जिससे हमारे रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ठंडी कम लगती है। इसी में दूसरा जो एप्लीकेशन है, ठीक है, और क्या सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग करते हैं इमर्शन हीटर या इमर्शन रॉड यूज़ करते हैं फॉर हीटिंग द वाटर, पानी को गर्म करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तीसरा हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में, ठीक है, कपड़े को प्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक आयरन भी क्या है, हमारा एक हीटिंग एप्लीकेशन है।
चौथा हमारा जो एप्लीकेशन है वो खाना बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि किचन में आपके पास होगा ओवन, है ना, तो उसको मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक ओवन है, तो ये भी यूज़ होता है फॉर मेकिंग केक्स, ठीक है, या लिख दूँ मैं शॉर्ट में बेकरी, बेकरी आइटम्स, बेकरी आइटम्स। क्लियर है यहाँ तक कि बेकरी आइटम्स के लिए हमारे पास ओवन होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इमर्शन हीटर भी होता है, ठीक है, रूम हीटर भी है हमारे पास। तो इस तरीके के वेरियस हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे खाना बनाने के लिए और क्या यूज़ करते हैं, हॉट प्लेट्स का यूज़ किया जाता है, हॉट प्लेट्स, ये भी इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलती हैं। फिर आपके पास इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, नाश्ते में आप अगर आपके पास ब्रेड है और ब्रेड को आप क्या करना चाहते हो, रोस्ट करना चाहते हो, तो ये होता है टोस्टर होता है। और क्या होता है, पॉपकॉर्न वगैरह घर पे बना लेते हैं आजकल, पॉपकॉर्न प्लांट भी होता है। तो इस तरीके से कुछ मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको बता दिया, इतने सारे एप्लीकेशंस घर पे होते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग के, तो ये सब एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे, सेकेंड है हमारा जो टॉपिक था एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्रियल हीटिंग, ठीक है, इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटिंग को, तो वो देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग में, इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंतर्गत उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप भी नोट्स बनाते जाइए स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा और याद होगा, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ लिख लिख के, तो आप ऐसे नोट बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, फिर वीडियो जब आपका ख़त्म हो जाएगा तब आप क्या करिए कि एक ब्लैंक पेज लीजिए इसी तरीके से, और जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समझते जा रहा हूँ वैसे ही आप भी लिखने की कोशिश करिए, तो आपको भी एकदम दिमाग में बैठ जाएगा और एग्ज़ाम में जाके आप एज इट इज़ लिख पाएंगे, तो आपको उससे अच्छे नंबर्स मिल पाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग है ना, या क्या कह सकते हैं इसको, इंडस्ट्रियल हीटिंग, इंडस्ट्रियल हीटिंग। तो इंडस्ट्रियल हीटिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट काम होता है हमारा, वो होता है मेल्टिंग ऑफ मेटल्स के लिए, मेल्टिंग ऑफ मेटल्स के लिए यूज़ होता है, मेल्टिंग ऑफ मेटल्स। सेकंड हमारा जो यूज़ है वो है हीटनिंग प्रोसेस या हीटिंग प्रोसेस ऑफ मेटल्स, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, एनीलिंग ये आता है, ठीक है, उसके बाद आता है टेम्परिंग, टेम्परिंग में भी यूज़ होता है, ये सब प्रोसेसेस हैं, टेम्परिंग है, और टेम्परिंग के बाद क्या आएगा, टेम्परिंग के साथ साथ और क्या किया जाता है, टेम्परिंग के साथ की जाती है सोल्डरिंग, सोल्डरिंग भी एक हीटिंग प्रोसेस है, और क्या जाती है, ब्रेजिंग की जाती है, ब्रेजिंग में भी हीट का यूज़ होता है। तो इस तरीके से कुछ इम्पॉर्टेंट हीटिंग प्रोसेस है मेटल के अंदर। इसके बाद जो तीसरा हमारा एप्लीकेशन है वो हो जाता है मोल्डिंग ऑफ ग्लास, मोल्डिंग ऑफ ग्लास, ग्लास की मोल्डिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद चौथा जो हमारा एप्लीकेशन है वो है इनेमलिंग ऑफ कॉपर। आपको पता होगा कि कॉपर वायर के ऊपर में कोटिंग की जाती है, इंसुलेशन किया जाता है, तो इनेमलिंग के काम आता है, इनेमलिंग वही प्रोसेस है, आप नेट पर देख भी सकते हैं इनेमलिंग ऑफ कॉपर वायर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, देखने की ज़रूरत नहीं है, इनेमलिंग वही है कि इंसुलेट किया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर एक इंसुलेशन चढ़ाया जाता है, दैट प्रोसेस इज इनेमलिंग ऑफ कॉपर वायर। और एक और होता है बेकिंग ऑफ इंसुलेटर, ठीक है, बेकिंग ऑफ, बेकिंग ऑफ इंसुलेटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो दो टॉपिक था स्टार्टिंग का, एग्जाम्पल्स ऑफ डोमेस्टिक हीटिंग एंड इंडस्ट्रियल हीटिंग, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा टॉपिक बचता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग ओवर कन्वेंशनल हीटिंग मेथड्स, ठीक है, तो इसको हम कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपका, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला जो क्वेश्चन है ये आपको मैं बता देता हूँ कब कब आया है, CSVTU डिप्लोमा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर में ये, है ना, कब कब आया है, ये आया है दिसंबर, सबसे पहले दिसंबर 2015 में पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए, उसके बाद ये पूछा गया मई 2016 के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए, और उसके बाद फिर पूछा गया मई 2018 में, कंबाइंड पूछा गया था 5 से 10 मार्क्स के लिए।
तो बहुत बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है और टॉपिक में भी है और अच्छा कंसेप्ट है, पूछा जाना चाहिए एग्जाम्स में, मुझे ऐसा लगता है। तो आप क्या करिए, इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। चलिए मैं अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा कि कैसे हमको याद करना है। मैं सिर्फ आपको वीडियो में बताऊंगा नहीं कि इसका आंसर ये है, मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे इसको याद कर सकते हैं। तो पहले मैंने ट्रिक दी है कि अभी तक जो भी आप वीडियो देखे उसको क्या करो, एक ब्लैंक पेज में रिवाइज करने का कोशिश करो लिख के, और देखो कि कहीं पे गलती तो नहीं हो रही। तो बार बार आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए तो हम अपना तीसरा जो टॉपिक है उसको लेते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है, तीसरा जो हमारा टॉपिक है ये है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ, ये कंप्लीट लिखिएगा आप लोग, ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग ओवर, आप भी लिखते जाइए स्टूडेंट साथ में, ओवर कन्वेंशनल हीटिंग मेथड्स। ठीक है, तो कन्वेंशनल हीटिंग का मतलब क्या है हमारा यहाँ पे? कन्वेंशनल हीटिंग मेथड का मतलब है कि जो हम लकड़ी जला के हीट पैदा करते थे, या कोयला जला के हीट पैदा करते थे कोल को बर्न करके, या पेट्रोलियम जैसे कि कैरोसिन वगैरह जला के हम यूज़ करते थे, तो ये कन्वेंशनल मेथड्स हैं हीटिंग के। और इलेक्ट्रिक सप्लाई का यूज़ करके अगर हम हीटिंग कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं और साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन एडवांटेजेस ज़्यादा हैं इसलिए ज़्यादातर प्रिफर किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग का जो सबसे पहला एडवांटेज है ये है क्लीनलीनेस। ठीक है, क्लीनलीनेस इसका पहला एग्जाम्पल है, पहला एडवांटेज है। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है? देखिए अगर कन्वेंशनल हीटिंग मेथड है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, वुड मतलब लकड़ी और कोयला को आप जलाएंगे। ठीक है, तो वुड को आप बर्न करेंगे एंड कोल को बर्न करेंगे। तो जब ये बर्न होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बर्न होते हैं, तो क्या देते हैं, बाई प्रोडक्ट्स देते हैं। क्या देंगे आपको, बाई प्रोडक्ट्स, हीटिंग बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं उनको। तो बाई प्रोडक्ट्स में आपको देंगे ये ऐश मतलब कि राख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये साफ सुथरा नहीं होता। ठीक है, कितना साफ सुथरा है उसका कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग कन्वेंशनल हीटिंग और इलेक्ट्रिक हीटिंग में। तो इसमें क्या बनती है, राख बनती है, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटिंग में राख नहीं बनती, कोई भी दूसरे बाई प्रोडक्ट्स नहीं होते। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक हीटिंग है वो मोर क्लीन होता है, मोर क्लीन एंड नो हीटिंग बाई प्रोडक्ट्स, हीटिंग से उसके कोई दूसरे बाई प्रोडक्ट्स नहीं होते जो हमको नुकसान पहुंचाए या साफ सुथरा जो है उसको खराब करें। अब दूसरा जो एडवांटेज है, दूसरा एडवांटेज है नो पॉल्यूशन, मतलब कि मेरे एक एक बात को आप ध्यान दीजिएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा इस वीडियो को देखते ही। तो नो पॉल्यूशन का मतलब है कि फ्लू गैसेस का प्रेजेंट ना होना। देखिए कोई भी चीज़ जलती है ना, किसी भी चीज़ को हम जलाते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, गैस को मैं बोल रहा हूँ फ्लू गैस। जो फ्लू गैसेस होती हैं वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं होती, पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो फ्लू गैसेस कन्वेंशनल हीटिंग में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फ्लू गैसेस आपकी कन्वेंशनल हीटिंग में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये फ्लू गैसेस इलेक्ट्रिक हीटिंग में प्रेजेंट नहीं होती। मतलब यहाँ पर होगा नो फ्लू गैसेस, कोई भी फ्लू गैस इलेक्ट्रिक हीटिंग में प्रेजेंट नहीं होती, इसके कारण ठीक है नॉन पॉल्यूटिंग होता है। इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है, नॉन पॉल्यूटिंग टाइप का होता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग इज नॉन पॉल्यूटिंग। ठीक है, नॉन पॉल्यूटिंग होने के कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है वो कन्वेंशनल हीटिंग मेथड से एडवांटेजियस होता है, ज़्यादा एडवांटेजियस होता है, इसलिए नॉन पॉल्यूटिंग होने के कारण इसको प्रेफर किया जाता है। ये हमारा दूसरा एडवांटेज था। तीसरा एडवांटेज है इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता। ठीक है, सस्ता जिसमें पैसे कम लगे, प्राइस कम हो। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहुँच चुकी है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज जो होता है उसमें जो खर्च होते हैं वो वो कन्वेंशनल हीटिंग मेथड में होने वाले खर्च से कम होते हैं। इसमें क्या होता है, आपको स्टॉक स्टॉक मैनेज करना पड़ता है,
किसका, वुड का, और कोल अगर यूज़ कर रहे हैं तो कोल का, ठीक है। और इसके देख रेख के लिए भी आपको एम्प्लॉयज़ रखने पड़ते हैं। इसका जो चार्ज होता है ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ठीक है। मतलब रनिंग कॉस्ट इसकी क्या हो गई, कम हो गई, इसकी ज़्यादा हो गई। एक रनिंग कॉस्ट हो गई जो पूरा मेंटेन करने के लिए लगेगा, फिर उसका इसके बाद होता है इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट इसका ज़्यादा होता है हीटिंग का, और इसका इनिशियल कॉस्ट कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब इसके एप्लीकेशंस को देखें, मान लो फैक्ट्री में यूज़ करना है हीटिंग के लिए, तो इनिशियल कॉस्ट इसका ज़्यादा हो जाएगा और इसका कम हो जाएगा, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इनिशियल कॉस्ट जो होता है ज़्यादातर एप्लीकेशंस में इसका कम होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग का, और कन्वेंशनल हीटिंग मेथड्स का ज़्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से जो इकोनॉमिक जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है, इकोनॉमिकली है ना साउंड करता है हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग, तो ये हमारा एक और एडवांटेज है। चौथा जो एडवांटेज है, ये एडवांटेज है ईज़ ऑफ कंट्रोल का, ईज़ ऑफ कंट्रोल का बहुत इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है, और इसी के बेस पर ही मतलब मुझे सबसे अच्छा लगता है इलेक्ट्रिक हीटिंग, इसी एडवांटेज के कारण सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ईज़ ऑफ कंट्रोल। तो वो कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, आप अगर लकड़ी जलाते हैं या कोयला जलाकर कन्वेंशनल हीटिंग मेथड का यूज़ करते हुए अगर हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो जो हीट आपकी प्रोड्यूस होने वाली है या जो होगी प्रोड्यूस, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं क्या? हाँ, तो कैन नॉट कंट्रोल द टेम्परेचर, कैन नॉट कंट्रोल द टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। और आपका जो हीटिंग होता है इस केस में, जो हीटिंग है, हीटिंग इज़ नॉन यूनिफॉर्म, हीटिंग आपका यूनिफॉर्म नहीं होता, ये नॉन यूनिफॉर्म टाइप की हीटिंग होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक हीटिंग की बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है, इसमें कुछ मैनुअल या ऑटोमेटिक कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है, या अल्टरनेटिव्स होते हैं, अल्टरनेटिव्स है ना, कुछ हैंडल्स होंगे या कुछ भी एक इसमें अल्टरनेटिव होता है, मैनुअल और ऑटोमेटिक टाइप का, जिसकी वजह से हम वी कैन कंट्रोल द टेम्परेचर, हम हीटिंग के जो टेम्परेचर है उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड दिस मेथड प्रोवाइड्स, ये इलेक्ट्रिक हीटिंग का जो मेथड है ये प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म हीटिंग। तो यूनिफॉर्म हीटिंग अगर हमको चाहिए, एक समान जो हीट करे ऐसा अगर हमको चाहिए, तो हमको इलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे चार एडवांटेज हो गए। एक और एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो आपका स्पेशल हीटिंग रिक्वायरमेंट्स हमारी होती है, जैसे आपको मैं समझाऊँगा कि स्पेशल हीटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, आपको ये टर्म समझना पड़ेगा, स्पेशल हीटिंग रिक्वायरमेंट। मान लीजिए कि आपके पास एक जॉब है, ठीक है, मान लो आपके पास एक पीस ऑफ जॉब है, जॉब समझते होंगे आप, है ना, कोई मान लो टुकड़ा है लोहे का, ठीक है, लोहे का टुकड़ा समझ लो, इस तरीके से आपके पास एक लोहे का टुकड़ा है। अब इसके अलग अलग सेक्शंस हैं, इसमें तीन सेक्शन हैं, ठीक है, एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। अब आप क्या चाहते हैं कि सिर्फ आप ए सेक्शन को क्या करो, हीट करो, और बाकी सेक्शन को क्या करो, हीट ना करो। ये क्या होना चाहिए आपका, कूल होना चाहिए, और ये आपका हॉट होना चाहिए, इसको आपको हीट करना है ए पार्ट को, और बी और सी पार्ट को आपको कूल रखना चाहते हैं। तो इस टाइप की जो स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है ये फुलफिल की जाती है आपकी इलेक्ट्रिक हीटिंग से, ठीक है, ये फुलफिल की जाती है इलेक्ट्रिक हीटिंग से, यूजिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यूजिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग वी कैन हीट ओनली सम पार्ट ऑफ ए गिवन जॉब वेयर अदर पार्ट्स रिमेन कूल, ठीक है।
मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक पार्ट को जिसको हमको चाहिए उसी को गर्म कर सकते हैं, भले ही ये जुड़े ना क्यों ना हो। तो हीटिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग का जो मेथड है उसी से हम ये कर सकते हैं। अगर हम कन्वेंशनल मेथड में जाएं तो कैन नॉट बी पॉसिबल, कैन नॉट बी पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल हीटिंग मेथड। ठीक है, तो देखिए मैं आपके समझने के लिए नोट्स बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में लिखिए, आपको पता है किस तरह से लिखना है, आप 6वें सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, तो आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए, और भी 5 और एडवांटेज है मेरे पास, वो हम और देख लेते हैं। इसके बाद जो हमारा 6वां एडवांटेज है, ये 6वां एडवांटेज हमारे पास है, ये हमारा है 6th एडवांटेज। और 6th एडवांटेज में हम देखने वाले हैं हायर इफिशियंसी। ठीक है, हायर इफिशियंसी, हायर इफिशियंसी। तो इफिशियंसी सबको पता है ना क्या होता है स्टूडेंट्स, इफिशियंसी का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, आप रिकॉल भी कर लीजिए, इफिशियंसी होती है आपकी आउटपुट बाय इनपुट। ठीक है, या यू कहें आउटपुट डिवाइड बाय आउटपुट प्लस लॉस। मतलब कि जो इनपुट होता है उसमें क्या होता है, आपका आउटपुट भी होता है और लॉस भी ऐड होता है। तो अगर लॉस बहुत कम हो, लॉस क्या हो जाए आपकी, बहुत कम हो जाए, तो आपका जो ओवरऑल ये रेशियो है ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओवरऑल रेशियो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे इफिशियंसी क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। तो यही बात है इलेक्ट्रिक हीटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग के अंदर लॉसेस आर वेरी लेस, लॉसेस आर वेरी लेस। लेकिन कन्वेंशनल हीटिंग, CH बोल रहा हूँ, कन्वेंशनल हीटिंग, इसमें जो लॉसेस होते हैं, लॉसेस आर मोर देन इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग से ज़्यादा लॉस होता है कन्वेंशनल हीटिंग में। तो जिसमें लॉस ज़्यादा है उसमें क्या होगी, इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या होगी, कम होगी, और जिसमें लॉस कम है उसमें इफिशियंसी ज़्यादा होगी। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक हीटिंग का मेथड है उसकी जो इफिशियंसी होती है वो हायर होती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो एडवांटेज है वो हम देख लेते हैं। इफिशियंसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट एडवांटेज है ये आपका हो जाता है बेटर वर्किंग कंडीशन, बेटर वर्किंग कंडीशन। मान लीजिए आपके पास एक हीटिंग फर्नेस है, आपके पास एक हीटिंग फर्नेस है, और उस हीटिंग फर्नेस के आसपास, ठीक है, क्या हो, टेम्परेचर बहुत कम हो, इसके आसपास जो विसिनिटी में जो एरिया है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो सामान्य हो, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर हो, तो जब यहाँ के आसपास विसिनिटी में क्या होगा, फर्नेस के क्या होगा, फर्नेस के आसपास क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, नॉर्मल होगा, तो कोई भी ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर अच्छी तरीके से काम कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये ऑपरेटर मैंने बना दिया है, ये ऑपरेटर नॉर्मल तरीके से काम कर सकता है। तो जो वर्किंग कंडीशन है, मतलब काम करने के लिए जो कंडीशंस है आसपास, वो काफ़ी बेटर होती है आपकी इलेक्ट्रिक हीटिंग में। लेकिन अगर आप क्या यहाँ पर जाते हैं कन्वेंशनल मेथड में, तो यहाँ पर फ्लू गैसेस होती हैं, ऐश होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसकी वजह से वर्किंग कंडीशन, उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वर्किंग कंडीशंस आर नॉट गुड, वर्किंग कंडीशंस इन कन्वेंशनल हीटिंग आर नॉट गुड, और वर्किंग कंडीशन इन इलेक्ट्रिक हीटिंग इज वेरी गुड। ठीक है, मतलब कि वर्किंग कंडीशन जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है इलेक्ट्रिक हीटिंग में, और बहुत कम होती है किसमें, बहुत ख़राब होती है किसमें, कन्वेंशनल हीटिंग में, क्योंकि वहाँ पर फ्लू गैसेस होती हैं, फ्लू गैसेस। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब डिटेलिंग आपको बतानी पड़ेगी सेंटेंस में, आपको एग्ज़ाम में, तब आपको नंबर मिलेंगे, या आप टेबल बनाएंगे और वैसा लिखेंगे, मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इसका आंसर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 7 आपके हो गए। इसके बाद 8वां जो है ये आपका रिलेटेड है हीटिंग ऑफ बैड कंडक्टर से, हीटिंग ऑफ बैड कंडक्टर्स, बैड कंडक्टर्स। ठीक है, बैड कंडक्टर्स, अब इसमें कंडक्टर्स की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें बैड कंडक्टर उनको बोला गया है जो हीट
एंड इलेक्ट्रिसिटी के चालक नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या नहीं करते, पास नहीं करते, या उसके क्या होते हैं, इंसुलेटर हैं, है ना, उसको सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसे जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, वुड है, प्लास्टिक है, ठीक है, एट्सेट्रा, उस तरह की जो चीज़ें हैं, तो इनको अगर हम अपने को क्या करना है, हीट करना है, ठीक है, तो किस मेथड से आसानी से हीट किया जा सकता है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक हीटिंग का जो मेथड है, इस मेथड से आप आसानी से इसको हीट कर सकते हैं यूजिंग, ठीक है, कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है, यूजिंग डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। इस मेथड का यूज़ करके हम प्लास्टिक, रबर, वुड, इस तरह के की जो इंसुलेटिंग चीज़ें हैं जो कि बैड कंडक्टर्स के कैटेगरी में आती हैं, उनको आप हीट कर सकते हो। और कन्वेंशनल में आप इनको क्या करोगे, बर्न करोगे, तो बहुत ज़्यादा लॉस के साथ जलती हैं और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती हैं, है ना, गिव्स मोर पॉल्यूशन एंड कैन नॉट बर्न ईजली, ठीक है, इसको बर्न होने में काफ़ी टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। फिर आपका नाइन्थ जो पॉइंट है, एडवांटेज है, वो है सेफ्टी, ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड है वो फास्ट रिस्पॉन्डिंग होता है, फास्ट रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक हीटिंग में कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं, तो उसके कंट्रोल सिग्नल्स के अकॉर्डिंग इसका जो रिस्पॉन्स होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग का, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। फास्ट होने की वजह से हमारी जो सेफ्टी है वो बढ़ जाती है, और इसमें अगर हमको आग को बुझाना है तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना समय लगेगा। अगर आपको जो आग किससे लगी है, लकड़ी और कोयले से लगी है, उस आग को बुझाने में बहुत टाइम लगेगा, जबकि इलेक्ट्रिक हीटिंग में आप बहुत आसानी से बुझा सकते हैं। तो सेफ्टी के कंसर्न में ये ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्डिंग होता है और ये स्लो रिस्पॉन्डिंग होता है, स्लो रिस्पॉन्स। फिर हमारा जो आखिरी एडवांटेज है, ठीक है, वीडियो पूरा देखना है स्टूडेंट्स, तभी आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। जो लास्ट जो एडवांटेज है हमारा, ये है लोअर अटेंशन, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए आपको उसको अटेंशन देना पड़ता है, एंड मेंटेनेंस भी टाइम टाइम पर करना पड़ता है, और अटेंशन भी देना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग में जो रिक्वायरमेंट होती है अटेंशन की, वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, मतलब बहुत कम होती है, लो अटेंशन एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट, भी कम होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज ऑल्सो लो। लेकिन इसी का उल्टा, अगर आपको वुड को जलाना है, ठीक है, या कोल को जला करके करना है, तो आपको प्रॉपर अटेंशन देना पड़ेगा, हाई अटेंशन देना पड़ेगा, कहीं आग ना लग जाए ज़्यादा, है ना, आपको उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। हाई अटेंशन शुड बी गिवन, ठीक है, देना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा समझाया है तीनों एग्जाम्पल। अब इसमें एक छोटा सा और बच गया, डिसएडवांटेज। तो देखिए, ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है इसके, कुछ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट प्रेजेंट या अवेलेबल, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, है ना, वहाँ हम इलेक्ट्रिक हीटिंग को यूज़ नहीं कर सकते। देयर इलेक्ट्रिक हीटिंग कैन नॉट बी यूज्ड, क्योंकि इसका जो फ्यूलिंग है वो तो इलेक्ट्रिसिटी ही है, अगर वही नहीं रहेगा तो ये चलेगा कैसे, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटिंग का। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, इसका जो दूसरा हमारा डिसएडवांटेज निकल के आता है, वो डिसएडवांटेज है आपका कि इसको जो हम क्या करते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज़ करते हैं, तो आपको पता है वो कितना डेंजर होता है, अगर हाई वोल्टेज है या हाई करंट है, और अगर हमने प्रिकॉशन अच्छे से नहीं लिया है तो हमको शॉक लग सकता है। तो
तो इसमें शॉक लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। शॉक डेंजर, शॉक जल्दी लग सकता है। और जो तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो इसके इक्विपमेंट हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग इक्विपमेंट्स रिक्वायर स्किल्ड ऑपरेटर, मतलब कि ऐसे ऑपरेटर चाहिए होंगे जो स्किल्ड हों, जो उस सिस्टम को जानते हों, तभी वो उसको ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसको एकदम नॉर्मल बंदा भी नहीं कर पाएगा। जैसे आपको लकड़ी जलाना है तो ईजिली सब कॉमन जला लेते हैं, सभी को आता है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक हीटिंग को या इलेक्ट्रिक ऑपरेटर्स को रन करना है तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ऑपरेटर को, उसको समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, स्किल करना पड़ेगा, तभी वो कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से ये तीन डिसएडवांटेज हैं, ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किए हैं। एक डिसएडवांटेज तो मिल गया था मुझे पढ़ने से, ये दो मैंने आपको खुद से बताए हैं। तो आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी, वैसे मेरे को लगता है कि लिख देना चाहिए, ये भी डिसएडवांटेज ही है। तो आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में हमने लेक्चर वन को कम्प्लीट किया, और लेक्चर वन में हमने पूरा डिस्कस किया है कि किस तरीके से हमारा जो एडवांटेज है इलेक्ट्रिक हीटिंग का और डिसएडवांटेज है ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो 10 इसके एडवांटेज हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ। क्लीनलीनेस, नो पॉल्यूशन, इकोनॉमिकल, ईज ऑफ कंट्रोल, स्पेशल हीटिंग रिक्वायरमेंट, हायर एफिशिएंसी, बेटर वर्किंग कंडीशन, हीटिंग ऑफ बैड कंडक्टर्स, सेफ्टी और लोअर अटेंशन एंड मेंटेनेंस। स्टूडेंट्स, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है और मैं आपसे ये इंस्ट्रक्ट करता हूँ आपको कि आप क्या करिए कि जैसा ये वीडियो आपने देख लिया तो देखने के बाद आप क्या करिए, एक ब्लैंक पेज लीजिए, ब्लैंक पेज, और ब्लैंक पेज पर आपने जो भी इस वीडियो में सीखा है उसको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख लीजिए। तो आपने आधा घंटा दिया इस वीडियो को देखने में और आधा घंटा आप लिखने में दे लीजिए, तो आप क्या हो जाएगा, आपका एकदम सॉलिड हो जाएगा ये वाला टॉपिक। और इससे एक क्वेश्चन पक्का तय है, ये आपका आना ही चाहिए क्योंकि बहुत सालों से पूछा गया है, इस रेफरेंस पर मैं बता रहा हूँ, और इस सिलेबस में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसकी तैयारी आप बिल्कुल करिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिए, लाइक दे दीजिए मुझे, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो अगला लेक्चर है, लेक्चर टू, बहुत ही जल्द आपको मिलेगा, लेक्चर टू भी अवेलेबल हो जाएगा। इसमें हम देखेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ये भी 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो का ये पूरा। ठीक है, कभी कभी अपलोड हुआ तो नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। चलिए ठीक है, आप अगले वीडियो को देखिए हमारे, तब तक के लिए धन्यवाद।